यहाँ पे जो हम चल रहे थे चेक नंबर के लिए मैंने बताया आपको 6 times 0। मोबाइल नंबर में आपको 91 ऐड करने के लिए +91 और 10 times 10 times या एक ही बार आप हैश भी यूज कर सकते हैं। 10 times 0 नहीं यूज करेंगे, हैश यूज करेंगे, ठीक है जी। +91 के बाद मीटिंग आईडी का जो सैंपल दिखाया इसमें मैंने बताया 3 बार हैश डैश 3 बार हैश डैश 3 बार हैश, ठीक है जी। इसके लिए मैंने आपको बताया जैसे 12 डिजिट से आपको ऊपर एंट्री करनी हो तो खाली आप हैश लगा दें, आपकी वैल्यू पूरी पूरी आएगी, ठीक है जी। अब कई बार हम कुछ अमाउंट के एंट्री करते हैं 12.32 या कुछ हमें पैसे लिखने, अब इसके आगे हम क्या करते हैं रुपीज लगा देते हैं। अब कोई भी टेक्स्ट जो हमें लिखना है वो लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। रुपीज के लिए लिखा मैंने, स्पेस दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन मैंने क्या टाइप किया हैश, ठीक है जी। तो कुछ भी मैं टाइप करूंगा उसके आगे रुपीज अपने पास आ जाता है। अब हम चलते हैं डेसिमल प्लेसेस की, और इसमें डेसिमल के मान लीजिए मुझे करने हो 0.hash और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने डाल दिया पैसे। अब यहां पे क्या दिखा रहा है मेरे को, मैं इधर लिखता हूं 12.03, ये क्या दिखा रहा है मुझे, जीरो दिखा, जीरो नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने इसमें एक बार हैश लगाया है। इसकी जगह जो हम लगाते हैं वो लगाएंगे 00, तो डिजिट में हमें पैसा दिखाई दे। इस ये जो हमारा है फॉर्मेट है, इसलिए हम इसे कस्टम फॉर्मेट से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे मैंने देखिए इसके आगे हैश लगा दिया, इधर मैंने 00 लगा दिया, जीरो। इसलिए जीरो क्या करता है कि आपकी जो गैप है इसको फिल कर देता है। जैसे दो वैल्यू आपको चाहिए चाहिए तो वहां पे आपको, अब जैसे मैंने दिया 12.3 30 आ गया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं टेक्स्ट में, जैसे हम कभी फॉर्म डिजाइन वगैरह करते हैं। अब फॉर्म डिजाइन में क्या करते हैं, हम नेम लिखते हैं और इस तरह से अपना इस तरह से ये देते हैं, ठीक है जी। पर क्या होता है हमें कई बार ना इसको कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया, रैपिंग करनी पड़ती है इसके लिए। अगर मान लीजिए ये रैप दो या कुछ हो तो ये हमारा फॉर्मेट बिगड़ जाता है कई बार। यहाँ के इसके लिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, टेक्स्ट के लिए इसे यूज करते हैं। यहां पे मैंने दे दिया कस्टम में @*, और @ हमारा टेक्स्ट के लिए यूज होता है। स्टार के बाद जो भी हम करेक्टर देंगे वो रिपीटेडली लाइन के एंड तक फॉलो करेगा। अब जैसे मैं कर दूं यहां पे नेम आ रहा है, आ रहा है जितना लेना चाहूं अपने आप,
और क्या करते हैं इसको, इसकी जगह कुछ और कैरेक्टर दे देते हैं, ये दे देते हैं। इसके बाद जो भी करेक्टर देंगे हम वो रिपीटेडली फॉलो करेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमें किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना है, और ज्यादा जानना है कोई भी टॉपिक है, क्योंकि एडवांस वर्ड जो है किसी एक आदमी या एक चीज पे सीमित नहीं रहता, बढ़ता जाता है जितनी नॉलेज हो उतनी। तो हमारा नॉलेज का जो सबसे बड़ा दोस्त रहता है हमारा जो रहता है गूगल। साथ में आपको मैं वो भी टिप्स देता रहूंगा कि आप इसके आगे और कैसे करेंगे। कस्टम फॉर्मेट इन एक्सेल टाइप करेंगे, एमएसडीएन के और बहुत सारी साइट्स के रेफरेंस है, एमएसडीएन वाला सबसे अच्छा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, जीरो किस लिए यूज करते हैं, हैश किस लिए यूज करते हैं। एक चीज है हमारे पास यहाँ, क्वेश्चन मार्क। पहले इसमें देखते हैं, इस हेल्प में जैसे आपका है 1235.59। अगर आप ये कोड देखते हैं, हैश 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 डॉट हैश, तो इसका ये रिजल्ट आता है। यहाँ पे जीरो दिया है तो 8.9 को इसने आगे 3 डिजिट तक जीरो फॉलो किया है। 631 है यहाँ पे, हैश है सिंगल टाइम डॉट के बाद, आगे कुछ नहीं है, इसके जीरो है, आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो है तो मतलब आगे जीरो इसने फिट कर दिया। हैश 0.0 हैश 12.0, मतलब उसे जीरो दिखाना ही दिखाना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। इसी में इसने क्या किया, 568। अब यहाँ पे डिजिट आ गई, 5 ने ले लिया, पर हैश था, 2 डिजिट का हुआ तो ये 2 तक ही सीमित रहे, ठीक है जी। एक हमारा होता क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डॉट क्वेश्चन मार्क, ये इसका कोई वैसे खास यूज नहीं है। हालांकि इसका जो होता है हमारा, जो ये डॉट वैल्यू है ना आपको दिख रही है यहाँ डॉट वैल्यू, ये डॉट्स को अलाइन कर देता है। इसको लेके चलते हैं जरा, देखते हैं क्या क्या मतलब क्या है इससे। अब इसको हम अलाइन करते हैं यहाँ। अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ, यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ इसको, मेरे डॉट एक जगह नहीं है, पर जब हम वो फॉर्मेट अप्लाई करेंगे जो कि था डॉट, थ्री डॉट्स तक करता है। अच्छा कितने डॉट्स तक करना है, जैसे तीन तीन क्वेश्चन मार्क थे तो तीसरी डॉट पे सबको अलाइन कर देगा। 3 डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद ये अलाइन कर देगा डॉट को। इसका कोई खास यूज नहीं है। दूसरा होता है इसका फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए यूज, जैसे 5.25 है, इसका मतलब हुआ 5/5, सही 1/4। यहाँ पे लेते हैं कस्टमर, ये
ठीक है, इसके बाद जो हैश के बाद हमारा स्पेस आएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ये कुछ और दिखाएगा, हम जो चाह रहे हैं वो इस तरह से आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जहां इसका यूज है, डेट में सपोज मैंने आज की डेट डाली टुडे, अब इस डेट को मैं किस किस तरीके से दिखा सकता हूं, कस्टम में जाएंगे, यहां पे मंथ डे वाई 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 है, मैं डालता हूं एमएम डीडी, नहीं डीडी एमएम वाई वाई, डीडी एमएमएम वाई वाई वाई, ठीक है जी, एम एम डी डी वाई वाई का मतलब पढ़ लेते हैं, अगर हम सिंगल टाइम एम डालते हैं तो ये हमें 1 से लेकर 12 तक मंथ दिखाता है, ठीक है जी, 2 टाइम्स एम एम डालते हैं तो 01 में आता है, ऐसे आता है 1 2 3 4, ऐसे आता है 01 02 03 04, जब आप इसको 3 बार एम एम कर देते हैं तो ये 3 डिजिट के आपके मंथ में कन्वर्ट कर देता है, जैन फेब मार्च इस तरह से, 4 बार एमएमएम टाइप कर देते हैं तो ये पूरी पूरी आपके दिखाने लगता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर इस तरह से, 5 बार अगर एमएमएम दे देते हैं तो फर्स्ट इनिशियल जैसे जे एफ एम ए इस तरह से दिखाता है, इसी तरह से हमारा डेज में है, एक बार डी डालेंगे तो 1 2 3, 2 बार डी डी डालेंगे तो 01 02 03 04, ऐसी तरह 3 बार डी डालेंगे संडे मंडे ट्यूसडे 3 डिजिट में, 4 बार डी डालेंगे संडे मंडे फुल कैरेक्टर में, ईयर के लिए 2 डिजिट के ईयर, 4 डिजिट के लिए, इसी तरह से आपके आर के लिए होता है, हमारा आर के लिए सिंगल डिजिट के लिए एच, डबल डिजिट के लिए एच एच, मिनट के लिए एम, सिंगल डिजिट के लिए डबल एम, डबल डिजिट के लिए सेकंड, सिंगल डिजिट के लिए एस, डबल डिजिट के लिए एस एस। अब जैसे किसी टाइम के आगे हम डाल देते हैं एच स्लैश ए एम पी एम, तो ये 4 ए एम दिखाएगा, मिनट नहीं दिखाएगा इसके पीछे, एच कॉलन एम एम 4:36, 2 डिजिट दिखा रहा है, ए एम पी एम में जो भी होगा वो दिखाएगा, ए एम पी एम का ही है ये, बस ए और पी में है नोटेशन इसकी, सिंगल डिजिट का आर, डबल डिजिट का मिनट, डबल डिजिट का सेकेंड, एच सिंगल डिजिट आर डबल डिजिट एम एम मिनट डबल डिजिट सेकंड, और उसके बाद जो मिली सेकेंड्स वगैरह होते हैं उसके लिए। जब हम इसके आगे एच के आगे ये डाल देते हैं बड़े ब्रैकेट जो होते हैं, तो ये हमारा 24 घंटे के चक्कर से बाहर निकल जाता है, इलैप्स टाइम इसमें बड़े ब्रैकेट में इलैप्स टाइम। अब जरा इसको सैंपल करके देखते हैं क्योंकि ये चीजें करने से ही समझ में आती हैं। करंट डेट के लिए आपका जो शॉर्टकट है कंट्रोल सेमी कॉलन है, ठीक है जी, अब हमारे पास जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग में जो मैंने आपको कोड्स दिखाए उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टेक्स्ट का, टेक्स्ट फॉर्मूला है जिसमें हम रो रेफरेंस देंगे, और यहाँ जो यहाँ पे जो कोड चलाना चाहते हैं हम
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे देंगे। अब मैं चाहता हूं इसका डी एम वाई वाई इस फॉर्मेट में दिखाऊं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं डी एम एम वाई वाई, इसमें तीन बार एम लगाता हूँ। नवंबर में बदल गया, चार बार लगाता हूँ फुल नवंबर में बदल गया, पांच बार लगाता हूँ सिंगल डिजिट में बदल गया। इसी तरह से ईयर वाई वाई और जोड़ दिया मैंने, इसमें फुल उसमें दिखाने लगा। और ये जो डैश है इसको भी हम अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जो हम कोड दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। ठीक है, डॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, अब संडे मंडे के लिए क्या बताया था, डी 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 थर्सडे, खाली मुझे चाहिए कि उस डेट को क्या दिन था। तो आप और आगे फॉलोइंग ना कीजिए, खाली ये डी 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 लगा के देख सकते हैं थर्सडे, फुल डी 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 थर्सडे। इसी तरह से वाई 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 खाली ईयर लाने के लिए एम 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 खाली मंथ लाने के लिए। ठीक है जी, टाइम के ऊपर ट्राई करते हैं। टाइम का हम उठा लेते हैं, टाइम के लिए मैंने बताया था आपको नाउ चलता है हमारे पास, हम करंट टाइम उठाते हैं। कैसे उठाएंगे, नाउ माइनस टुडे, नाउ माइनस टुडे में आ जाएगा करंट टाइम, टाइम फॉर्मेट में सेट कर देंगे। ठीक है जी, नाउ और टुडे का मैंने जो आपको फर्क बताया था मैं एक बार फिर बता देता हूँ। नाउ जो होता है डेट और टाइम रिटर्न करता है, टुडे जो होता है करंट डेट रिटर्न करता है। यहाँ फॉर्मेट लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब वो भी ना जा रही है और ना कोई भी ना अब इसका जबकि हम जनरल फॉर्मेट में करते हैं इन दोनों को, पेस्ट एज वैल्यूज कर देता हूं मैं जनरल फॉर्मेट में, तो हमारे पास यहाँ जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ये टाइम की रिकॉग्निशन है, और इससे पहले की जो है वो डेट की है। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन चलती है, हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, बचा हमारे पास ये टाइम फॉर्मेट में। जैसे ही चेंज करेंगे इसको ये अपने टाइम बता देंगे। तो इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने आपको यहाँ पे दिया, हालांकि ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मूले से निकला हुआ है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अपना टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या कस्टम फॉर्मेट में अंदर जाके दे सकते हैं। D13 इस रो का रेफरेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे जैसे मुझे देखना है और कितने हुए डबल डिजिट में, 21 आर, यहाँ पे एम पीएम। ठीक है जी, इसके साथ मिनट देख लें, इसके साथ सेकंड देखने, इसके साथ क्या था मिली सेकंड के लिए अपना 00,
नहीं, 0-0 नहीं था, स्पेस था, देख लेते हैं क्या था, डॉट 0-0 था। ठीक है सर, तो इस तरह से हम कस्टम फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास इसमें, ये देखते हैं, एक ये एग्जाम्पल को देखते हैं इसके। इसमें लॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज हुआ है। यहाँ पे डालता हूँ मैं कस्टम में, इसको डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या है अपना, यहाँ पे इसके जरिए आप कलर की नोटेशन है, अगर आप ये कस्टम फॉर्मेट में डालेंगे तो ये उसी कलर में आपको दिखाई देगा। इन्होंने थोड़ी सी लॉजिकल कंडीशन लगा दी है, रेड कब होना चाहिए, वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होती है तो रेड दिखाए, ग्रेटर देन 100 होती है, लेस देन 100 जो भी है, देख लेते हैं ट्राई करके। साइन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करते आए शुरू से ही, अगर मैं 100 डालता हूँ तो क्या दे रहा है, 89 डालता हूँ तो क्या देता है, 111 डालता हूँ तो क्या देता है। ठीक है जी, तो हमारा ब्लू कब दे रहा है, जो वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, और 100 या 100 से नीचे वाली वैल्यू रेड के लिए। ठीक है जी, इस तरह से लॉजिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक और चीज दिखा देता हूं आपको, जैसे हमें इंडियन नंबर फॉर्मेट होता है, हम क्या करते हैं इसमें, 1,000 रुपये हो गए, 1,002 ज्यादा ही ले लेते हैं, थोड़े से कितने हो गए देख लेते हैं। जब मैं इसको नंबर फॉर्मेट में डालता हूँ, यूज सेपरेटर लगाता हूँ, 10 लाख हैं, पर हम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि 10 लाख हैं, 1 लाख हैं, कितने हजार हैं, कंफ्यूजन। अब इसके लिए हमने, आप अपना इंडियन नंबर फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है। पहले मैं दिखा देता हूँ है क्या चीजें। सेमी कॉलन से इन्होंने लॉजिक को ब्रेक किया है। अगर वैल्यू एक करोड़ से ज्यादा होती है तो इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, दो वैल्यू इधर से तोड़ो, तीन वैल्यू के बाद पहले कॉमा लगाओ, फिर दो वैल्यू के बाद लगाओ, फिर दो के बाद लगाओ, उसके बाद अगर 1 लाख से कम है तो आप ये फॉर्मेट अप्लाई करो, तीन वैल्यू के बाद कॉमा लगाओ, फिर दो के बाद लगाओ, फिर बाकी बाकी के लिए सेम। तो इसमें तीन फॉर्मेट लगे, इसको मैं कॉपी करके कस्टम फॉर्मेट में डाल देता हूँ, यहां से इसमें। ठीक है जी, इंडियन नंबर फॉर्मेट आ गया मेरा, 1,000 लिखता हूँ, यहां तक तो ठीक ही था, 12,167, 10, 15 लाख, 14 लाख, 3 करोड़। जो कस्टम फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, पूरे एक्सेल की सेटिंग्स पे नहीं होते हैं, तो मतलब आप
आपको जिसमें ये फॉर्मेट चाहिए आपको उसको इंडिविजुअल फाइल में लगाना होगा। तो ऐसा इस तरह के फॉर्मेट जो हैं आप नेट पे सर्च करके अपने एक पर्सनल फाइल बना के उसमें कॉपी करके रख सकते हैं और रिमार्क्स डाल सकते हैं आगे किस कौन सा फॉर्मेट किसके लिए, क्योंकि इसको इस तरह से आपके जैसे भी कोई स्पेशल फॉर्मेट बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी, बाकी देखते हैं। बार और चलते हैं अपने टाइम के ओर, जैसे मैंने 25 घंटे दिखाने हैं। पच्चीस घंटे हमारा दिखा रहा है, ये एच का फॉर्मेट ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं टाइम फॉर्मेट में चेंज कर दूं इसे तो ये मेरे को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। कई बार हो जाता है ऐसे ही दिखा देता है, हमने 25 घंटे डालने तो कस्टम में ये फॉर्मेट अपना यहाँ पे बस इसके एच के आगे डबल ब्रैकेट लगाना है। ठीक है जी, तो ये हमारा था आज का कस्टम फॉर्मेट। इसमें किसी को कोई डाउट है? इंडियन सबटाइटल लगाया है, इंडियन का इंडियन इंडियन का जो ये फॉर्मेट है ये मैंने नेट से कॉपी किया था, पर इसका मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिमार्केशन क्या क्या है हमारी। इसमें ये है वैल्यू कि जब 1 करोड़ से ऊपर हो, लॉजिकल कंडीशन लगी है जी, तब हमारा ये फॉर्मेट अप्लाई हो। ठीक है जी, इसमें क्या फर्क आया कि हमारा 1000 का सेपरेटर है, लाख का सेपरेटर है और करोड़ का सेपरेटर है। ठीक है जी, दूसरा इन्होंने लगाया कि अगर लाख के अंदर हो, 1 करोड़ तक हो और ये लाख तक हो, तो इसमें 1000 का है और लाख का है, बाकी इन्होंने एक ये वैसे फ्री दे रखा है विदाउट किसी कंडीशन के, ताकि इससे कम आ जाए तो क्या करें। उन्होंने तो क्लियर कट कर दिया कि लाख से ऊपर जा रहा है तो आप क्या करो, करोड़ से ऊपर जा रहा है तो क्या करो। इसके आगे कोई कंडीशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इस बची हुई वैल्यू इसी के अंडर आती है। ठीक है जी, मिलियन मिलियन जाती है तो बात अलग है, उसमें एक कंडीशन और लग जाएगी कि आपका 1 अरब से ऊपर जा रहा है तो कहाँ कोमा लगाओ। ठीक है जी, ये टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ कस्टम फॉर्मेट के अंदर यूज कर सकते हैं? ये टेक्स्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, देख लेते हैं। वैसे कर सकते हैं, मैं जहां से कॉपी करके लाया था वो टेक्स्ट में ही था। अब देखिए मैं टेक्स्ट में लेके यहां से ये देखिए, इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट में चेंजेस होते हैं खाली, फॉर्मेट में चेंजेस होते हैं खाली। तो ये कस्टम फॉर्मेट क्लियर है आप सबको? हालांकि ये क्लियर होना थोड़ा टाइम लगता है। स्पीकर इसका क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें हमें प्रैक्टिस जरूरत है, तो मैं आज का टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप इसको, क्योंकि इसमें इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, एक इसको 1-3 बार कम से कम इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज क्लियर हो पाएगी। ठीक है जी, हमने जो रेफरेंस बताया था आपको, गूगल में जाके आप MSDN यूज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट इन एक्सेल।
ठीक है जी, तो आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है आज से या पीछे से लेकर, क्योंकि बताने को तो मैं और भी बता दूंगा पर ज्यादा हो जाएगा कुछ। एंड कर सकता हूँ जी मैं, कोई जवाब तो दे दो है? सारे में से कोई तो बोल दो। मेल तो मिला है, एक बार दे देता हूँ। तुम ऑफिस में होते हैं? है? कौन निकला है? कौन संजय निकला?